सत श्री अकाल जी, मैं सिमरजीत बोलबन चैनल देख रहे हो। तुम असी मौजूद हाँ जगराओं के बच्चे। आए साल भारी मेला लगता इतने, महंगे मुल के घोड़े ने जोड़े घोड़िया ने इतने पहुँच दया ने, तो जिन्हों की कीमत 1 लाख तो लेकर 20 लाख तक 30 लाख तक होंगी है। असी मौजूद हाँ भंडार स्टड फार्म के खड़े हाँ। तो ये घोड़ा हीरा तो बई ने शौकिया तौर पर रख्या होया। एक टाइम अज तो 2 साल पहला मुकतसर मेले से सुखबीर बादल ने इस घोड़े का मुल लाया सी, पर बई ने देने तो इनकार करता सी क्योंकि शौकिया तौर पर सेल नहीं करना। बई ने शौक का कोई भी मुल नहीं हुंदा, शौक अनमुला हुंदा। 2 घोड़े बई को एक परले पासे बाद चो इंट्रोडक्शन करवावे। बई अर्शदीप साढ़े नाल मौजूद ने, बई नाल गलबात करते हैं कि कड़ी नसल का बच्चा बई यह कितों लेके आए थी जां घर का ही आ। आप बई दे नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल बई जी, स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल। यह अपने घर का ही बच्चा है जी, तो जिमें डैडी का बेली सके उन्हों तो बच्चा ही लिया उन्होंने घर होया जी। तो यह तो ही शौक पिया, तो ये मतलब ला लो पहले घोड़िया चो ही है। ये तूफान ब्लड लाइन का है, तो साढ़े उत्थे एक जज वाला घोड़ा उहदा यह बच्चा। तो यह इस टाइम 68+ हो गया विद स्केल, तुसीं मेजर कर सकते हो जी। हाँ जी। तो भाई आप गल कर लिए कि पंजाब के बच्चा किसी नौकरा जो घोड़ा सीगा उन्होंने बोलबाला होंदा सीगा, पर अज के टाइम के बच्चे जो किहड़े घोड़े का ज़्यादा बोलबाला ट्रेंड के बच्चे एक चीज़ होंदी हैगी। अज के टाइम च वेख्या जाए तो पंजाब च मेरे ख्याल नुकरे खत्म ही हो गए है, बाले बचे ही नहीं गए। महाराष्ट्र वाल बाले लोग लै गए खरीद खरीद के, तो पंजाब च नुकरे बचे नहीं, तो मारवाड़ी का ट्रेंड तो आप ही आना फिर वो गल। तो शौक बदलता, पहला की सी मारवाड़ी च वेखते सी कि अपना बनावट की है, तकड़ी की है। हुण इस टाइम हाइट की ज़्यादा डिमांड है मार्केट दी। हाइट कितनी है भाई दी? एदी 68+ है भाई विद स्केल, 69 तो थोड़ा ही घट है जिहड़ा अपना प्रॉपर मेजरिंग स्केल हुंदा ओ 68+ है ओहदे नाल। हां जी। बच्चे ने भाई इहदे तां जिहड़ा उहनां दी हाइट है उहनां दी हाइट कित्थों तक जांदी है? बच्चे हरेक बच्चे दी हाइट इहदी अज ताईं जिन्ने भी रिजल्ट आए है 64+ गई है जी। हरेक बच्चे दी, हरेक बच्चे दी भावें ओह घोड़ी होवे भावें घोड़ा होवे 64+ गई है। अपने कोले वी इहदे सीगे एक दो सेल करते, 2 घोड़िया खड़ियां इहदियां अपने कोले घरे जी, ते हरेक बच्चे दी हाइट इहदी 64+ जांदी है। हां जी। इह वी गल सुणन नूं मिली आ भाई जी कि सुखबीर बादल आए सीगे तुहाडे कोले, उन्होंने मुल लाया सी इहदा? हाँ जी, मुकतसर मेले च आए थे वह जी, अपने सामने ही टेंट से जो आए थे फिर वेख आए थे मुल लाया सी उन्होंने जी, पर उदो मना करता सी सेल ते। सेल ते है नहीं गा क्योंकि शौक तौर पर रखे बच्चा, फिर बच्चा पालिया वे तो बच्चे वागू ये शौक हैगा ता करके रखे। कई एक्स्ट्रा डाइट भी, कई एक्स्ट्रा डाइट जी होंगी वह भी हैगी इन्हों की? हाँ जी, डाइट इन्हों की प्रॉपर है, जिमें प्रॉपर दाना दूना जोड़ा पाईदा नाप के पाईदा ताकि ज़्यादा वाध ना हो जाए। फिर वेखीद कि घोड़े का जोड़ा हों डाइट किमें है, फिर उस हिसाब न घटा देईदा वधा देईदा है ना एक्सरसाइज के बेसिस से। तो नाप नाप कर दुध भी पाईदा इन्हों गाइया का, गाइया रखिया भी हैं दुध पिया देईदा इन्हों गाइया। हाँ जी। तो भाई आप गल कर लिए कि ये चैंपियनशिप के भी किसी के गए ना, जे किसी चैंपियनशिप के वर्ल्ड नंबर पर आए हो? नहीं नहीं भाई जी, चै शो च नहीं पाया किसी, आप रिंग रुंग च नहीं पाया गा जी। हाँ जी, रिंग च पाया ही नहीं अज ताई, वह पाया वह जिन्हों को अपने तो पहला अहमदाबाद उन्होंने पाया सीगा, वो रनर अप है अहमदाबाद का। हाँ जी, तो ये नहीं पाया गा हजे। आप गलबात कर लिए भाई, तो कई लोग ये भी कह देंगे ने कि डाइट के बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि डाइट कि मैन होंगी घोड़ियां दी जड़े ग्रोथ के लिए सही होंगी है, ग्रोथ वधे घोड़ियां दी जां घोड़ी दी? ग्रोथ एक तो वेखो डाइट भी होंगी है जिमें है ना, पर कुछ होंगे कि यदा पिछोकड़ की है, पिछोकड़ के बेसिस पर भी होंगे कि माँ की हाइट की सी प्यो की हाइट की सी, उस हिसाब से फिर भी डिपेंड करता ना। माँ प्यो की हाइट है नहीं फिर तो जो मर्जी डाइट पाई जाओ उन्हें उन्ना की वधना इन्ना होंगे है ना, बाली डाइट तो फिर होंगे ही नहीं। माँ पिछोकड़ के बेसिस पर भी हाइट डिपेंड करती, जिम्मे आप कहने कि अपनी हाइट अपने माँ प्यो से ज़्यादा डिपेंड करती है, उस उ हिसाब जो इन्हों पर होंगे जिमें जिमें बंद का हिसाब है उ हिसाब ज़्यादातर घोड़िया च होंगे भावें कोई भी चीज़ ला लो। हाँ जी। क्रॉसिंग भाई जो तुम करवाने हो तो वह की रेट होंगे? यदा आप क्रॉसिंग फीस रखी भी है बई 31,000 रुपये है ना, तो मतलब जे एक तो दूरों आओ पंजाब चो आओ या कितों भी आओ है ना, तो पढ़ा के ले जाओ ये आप मतलब चैक करा के 31,000 है, जे थोड़ी जिम्मे महीने बाद चैक होंगे जानवर है ना कि भरी रह गई है खाली है, उदू बाद जो खाली रह गई तो जंप दोबारा करा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। घोड़ी तुम को रखते हो ना टाइम? घोड़ी जो वाहवा दूरों है तो कोले भी रखनी पैंती है क्योंकि वाहवा दूर तो बार बार बंदा कौन आन जाने करूगा चैक करा, कई लोग चैक करा के हूँ इदू पहला एक बिरदी साहब है उन्होंने घोड़ी आई सी इतों कोटकपुरे दे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਹੀਰਾ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲੇ ਘੋੜੇ ਹੀਰਾ ਨਸਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ 68 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ 69 ਹੈ 69 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ